गढ़वाल की संस्कृति फेसबुक पेज फेसबुक पे है और यूट्यूब पे भी है, तो उसको लाइक सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी देते रहें। वो बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, हमको हमारी संस्कृति से, हमारे कल्चर से रूबरू कराते हैं, तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। गढ़वाल की संस्कृति के सभी दर्शकों को सेवा स्वामी सेवानियम पहला गुरु नमस्कार प्रणाम। आज हम उत्तराखंड के एक ऐसे शख्सियत से मिलने वाले हैं कि जिन्होंने यहाँ पर रह करके और बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। आप शायद उनको भली भांति जानते होंगे, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम है अवनाश ध्यानी। तो अवनाश ध्यानी जी, तो गढ़वाल की संस्कृति में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया है। जी सर, आप इतनी दूर से मिलने आए मुझसे, तो सौभाग्य की बात है, इतना टाइम दे रहे हैं। तो ध्यानी जी, आपका गांव कहाँ है गढ़वाल में और कहाँ कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? सर मेरा गांव जो है वो सुलमोड़ी है, रिखणी खाल पड़ता है जगह। हाँ जी, रिखणी खाल ब्लॉक मुख्य भी है। हाँ, पौड़ी गढ़वाल में ही पड़ता है, तो वहाँ मेरा गांव है सुलमोड़ी जी। और मेरे जो माता पिता हैं वो रहते हैं देहरादून में। हाँ जी। और मैं रहता था बॉम्बे में। अच्छा, तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? मेरे फादर आर्मी में थे, तो मैं घूम घूम के शिक्षा ग्रहण करता रहा। हाँ, मतलब भारत वर्ष के हर कोने में। हाँ, मैं दिल्ली में कुछ पढ़ाई की मैंने, फिर लैंसडाउन आ गए, फिर देहरादून चले गए, फिर डीएवी पीजी कॉलेज है वहाँ से। हाँ जी, ये देहरादून में। हाँ जी, फिर उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया, बॉम्बे फिर अलग शिक्षा सिनेमा। हाँ जी, तो ये आपका जो सिनेमा की तरफ जो रुझान हुआ जी, तो ये कैसे हुआ जबकि आपके कोई बैकग्राउंड भी नहीं है ऐसी? सर मुझे ना, मैं बड़ा इंट्रोवर्ट था जी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जब फिल्म मैंने देखने शुरू की तो जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तो मुझे लगा ये एक्सप्रेशन का बड़ा अच्छा मीडियम है जी, जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो मुझे लगा ये सबसे बेस्ट हो सकता है, कि कई सारे ऐसे इमोशंस थे जो मैं रियल लाइफ में नहीं एक्सप्रेस कर पाता था जी। तो मुझे लगा कि सिनेमा से मैं फिल्मों के माध्यम से हाँ तो अपने जो भाव हैं जी उनको व्यक्त कर सकते हैं जी। तो उसके बाद आपकी जो जो सबसे पहले आपने जो डायरेक्शन किया जी, वो कौन सी फिल्म का किया? सर मेरी जो पहली फिल्म थी, फ्रेडरिक नाम से मेरी पहली फिल्म थी एज अ हीरो जी, जिससे मैंने डेब्यू किया हिंदी सिनेमा के अंदर। 72 आवर्स मेरी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी जी, जिससे मैं निर्देशन के क्षेत्र में फिर आगे आया जी। और वो फिल्म मैंने लिखी भी, और फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा बम्बई में रह के कि मज़ा नहीं आ रहा बम्बई में जी। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी ऐसी मूलभूत कहानियाँ हैं जिनको मुझे कहना चाहिए जी। और 72 आवर्स जिस वीर पे मैंने फिल्म बनाई राइफलमैन जसवंत सिंह रावत पे, तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर है। और सिनेमा की एक बड़ी परेशानी जो मैंने देखी वहाँ बम्बई में, कि वहाँ पे ना लोग फिल्मों की फिल्में बना रहे हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, शायद वो बम्बई में ही रह रहे हैं, उनके बाप दादा फिल्म बनाते थे। हाँ, मतलब ऐसा कोई नया विचार नहीं है, कुछ नया थॉट नहीं है। मेरे पास पूरा पहाड़ पड़ा था कहने के लिए कहानियाँ। हमारे पास गौरा देवी जैसी कहानी है, अगर मैं उसको बना पाऊँ तो बहुत बड़ा सौभाग्य होगा मेरा। गौरा देवी है, तीनों रौतेली है। तो उसी सिलसिले में मैं अभी मैं फिल्म की शूटिंग करने आया था यहाँ पे। तो अभी आज अभी आप तिमली गांव में हैं जी? जी जी। और तो तिमली गांव में कैसे आना हुआ आपका? मेरे एक साथी हैं जिनका ये जिस प्रेमिसेस में हम बैठे हुए हैं, आशीष डबराल जी। तो आशीष जी जो हैं वो मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ, वो मुझे मेरे एक मित्र के माध्यम से मिले और उन्होंने मुझे कहा कि अविनाश आप 31st के दिन आप यहाँ पहाड़ आओ और बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताओ, थोड़ा सिनेमा एक दो तीन मिनट की एक फिल्म उनके साथ बना दो। तो मुझे ऐसा लगा कि वो बच्चे मुझे जादूगर समझते हैं और आशीष डबराल जी मुझे जादूगर समझते हैं कि मैं यहाँ पे आके सिनेमा कह दूँगा। पर सिनेमा के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं जब आप सिनेमा कहने लगते हो। तो और इससे पहले मैंने वेलम गर्ल्स की एक फिल्म की थी देहरादून में, जहाँ उन्होंने मुझे हैंडसम अमाउंट दिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पहाड़ के बच्चे हैं, तो मैं पहाड़ के लोगों को या इस मिट्टी को पे बैक कब करूँगा? आई मीन जो इसका कर्जा हमारे ऊपर है। हाँ, तो ये जो मेरे पहाड़ के बच्चे हैं, मैं अगर इनके साथ एक फिल्म कह दूँ तो दिमाग उतना ही है उनके पास, एक्सपोजर नहीं है।
तो मैंने फिर वर्कशॉप की बच्चों के साथ, आशीष जी ने मुझे बच्चों से मिलवाया और सर मैं बच्चों से एक्टिंग सीखता हूँ जी, इतने प्रोफाउंड एक्टर्स हैं। तो जो जो रिया नाम की एक लड़की है वो मेन रोल कर रही है फूली का, और वो जितने नेचुरल हैं अभिनय करते समय, मैं उतना नेचुरल मैं भी नहीं हूँ। तो मुझे भी कई बार वो इस तरह के एक्सप्रेशंस देते हैं बच्चे कि मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ जादूगर फिल्म कहना शुरू किया और फिर आशीष जी के साथ बैठ के मैं कुछ और डिस्कशन हम करते रहे लगातार, मैं और मेरी टीम, और मुझे लगा कि अब यहाँ पे ना फिल्म सिटी जैसा कुछ बना देना चाहिए जी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द वॉल्स द कलर्स, कि जिस तरह कलर्स हैं, या अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा सेट बना देता हूँ तो उसके अंदर जो इंटीरियर है उसको अगर बहुत अच्छे से हम डिज़ाइन कर देते हैं, हमारे आर्ट डायरेक्टर होते हैं फिल्मों में, तो मुझे लगता नहीं कि इतना मुश्किल काम है। तो मैं शायद अभी तो एक सेट बन रहा है ऊपर मेरा, तो और भी हम कुछ और सेट्स बनाने वाले हैं यहाँ पर जो आगे आने वाली फिल्में हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा की पूरी गुंजाइश है कहने की, और मैंने एक थॉट और सोचा सर यहाँ पे, क्योंकि जब आप एक ऐसे शहर में रहते हो ना, बम्बई जैसे शहर में, तो जो उपभोग की चीज़ें हैं वो आपको घेरती हैं, आप फंस जाते हो वहाँ पर, और जिस पलायन की हम लगातार बात करते आए हैं, तो हमारे जो मुझसे जो ऊपर की जनरेशन थी, मतलब हमारे पिता लोग, वो शहर की तरफ गए, मगर मेरे दादाजी गांव में ही रहते थे, और मेरे दादाजी ऐसे बताते हैं कि हमारे कुछ 80 गायें थी, 120 भैंसे थी, तो आज अगर वो किसी के पास है तो बहुत अमीर आदमी है, है ना, डेयरी उद्योग तो पूरी दुनिया में चल रहा है, या जिस तरह से किसानी हम लोग करते थे, तो बेसिकली हम किसान फैमिली से हैं और हम उसे भूल गए। तो अगर मैं इसे ऐसा मान लूँ, या हर उत्तराखंडी ऐसा मान ले कि उत्तराखंड अब एक अलग देश है, ऐसा मान लेते हैं दिमाग में, तो एक अलग देश है और हम सभी को अब उत्तराखंड रहना होगा, तो तब हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे क्या? जरूर करेंगे, है ना, तब मैं सिनेमा कहाँ कहूँगा, तो मैं उत्तराखंड में कहूँगा। तो अगर ये माइंडसेट मैं कर लूँ कि मुझे यही करना है, जैसे मेरे एक थॉट मेरे दिमाग में आया, बहुत सारे पहाड़ में देखता हूँ उसमें ऐसे लंबे लंबे सीढ़ीदार खेत बने हुए हैं, तो वो हमारे पुरखों ने लगाए होंगे उसकी भीड़े, मेहनत करी होंगे, उन्होंने मेहनत की, और क्या उस ज़मीन पे अब हम फसल नहीं उगा सकते, या उस पे उस ज़मीन पे मैं अपना एक सेट खड़ा करके सिनेमा नहीं कह सकता, मैं आराम से कह सकता हूँ। तो वो विचारधारा से मैं यहाँ आया, उसमें बहुत बड़ा योगदान आशीष डबराल जी का है, कि मैं उनको देख के बड़ा इंस्पायर हुआ, मैंने कहा वो आदमी यहाँ पे वो मिर्च लगाते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें वो बेचते हैं अमेजोन पे, बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, तिमली विद्यापीठ स्कूल है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने पॉलीफॉर्म लगा रखा है, उसमें वो ब्रोकली उगती है उसमें, और बॉम्बे में अगर आप ब्रोकली लेने जाओ तो 100 रुपये किलो से ऊपर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा सिनेमा में यहाँ कहूँगा, कुछ बड़ी कहानी है, बहुत बढ़िया। तो उत्तराखंड के लिए एक नया प्लेटफॉर्म आपके माध्यम से शुरू होने वाला है। हाँ सर, मतलब मेरे लिए मैं इसको ऐसा मानता हूँ कि एक्चुअली उत्तराखंड मुझे प्लेटफॉर्म दे रहा है, क्योंकि मेरा शहर है, मेरा प्रदेश है, आप सब लोग मेरे हो, आप इतनी दूर से मुझसे मिलने आए हो, तो सपोर्ट तो यहाँ के लोग मुझे कर रहे हैं, अब मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अकेले कुछ करूँ। तो यहाँ पे लोग सोचते हैं कि आगे काम करने में दिक्कतें आती हैं। हाँ सर, दिक्कतें तो शहर में तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, अभी यहाँ चिड़ियों का साउंड आ रहा है, वहाँ गाड़ियों का शोर है, है ना, ये चिड़ियों का साउंड हमें हील कर रहा है, है ना, मगर वो जो गाड़ियों का साउंड है वो हमें डिप्रेस करता है, डिप्रेस करता है, है ना। तो मेहनत कुछ नहीं है, कर्म तो हमें करना पड़ेगा, जैसे मैं जब भी कई बार जब लेबर जो हमारी है जो यहाँ लगी हुई है वो नहीं आती है, थोड़ी लेट आती है, वो 9 बजे आती है, तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, तो मैं पत्थर वत्थर खुद ही उठा लेता हूँ, हम खुद ही खेत खोद देते हैं, तो नेचुरल वर्कआउट हो रहा है, कार्डियो हो रहा है। हाँ जी, हाँ, जो जो लोग जिम में जाके जो करते हैं, हाँ, वो यहाँ शहरों में हम लोग सर पहले तो अनाप शनाप खाते हैं, हाँ, KFC चले जाते हैं, यहाँ वहाँ चले जाते हैं, और उसके बाद फिर अब वो फैट जब जमा हो गया तो अब जिम में जाते हैं, तो उसे गलाते हैं, तो दोनों जगह पैसे खर्च कर रहे हैं। हाँ जी,
तो यहाँ आराम से मंडवे की रोटी खाओ, इतना सारा घी डालो उसमें और उसके खेत पे काम करो। हाँ सारा हजम हो जाते हैं, है ना। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि ये जीवन जीने का ज़्यादा अच्छा तरीका है, सरल तरीका है। हाँ जी सरल तरीका है। और बम्बई यहाँ से बहुत दूर नहीं है सर। हाँ जी, मैं जब फ्लाइट से बॉम्बे टू देहरादून फ्लाइट है, हाँ जी, तो 2 घंटे में देहरादून, हाँ जी, और 2.5 घंटे में तिमली, तो कितना दूर रह गया? तो यहाँ 4.5 घंटे है ना। हाँ जी, तो मैं तो अभी मैं बीच में जब यहीं था तो मुझे बॉम्बे जाना पड़ा काम से, मुझे दोबारा जाना है। हाँ जी, तो मैंने सुबह फ़ोन किया, मेरी 7:20 की फ़्लाइट थी। हाँ जी, तो मैंने फ़ोन किया मेरे जो साथी लोग हैं, मेरे असिस्टेंट लोगों को, मैंने दिन में दाल भात बना के रखना, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं पहुँच गया। इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ जी, वो हमारे दिमाग में है सर कि दूर है जी। हिमाचल का आदमी हिमाचल में रहता है। हाँ जी, आसाम का आदमी आसाम में रहता है, अरुणाचल प्रदेश का आदमी वहीं रहता है। हाँ जी, जम्मू कश्मीर का आदमी जम्मू कश्मीर में रहता है। उत्तराखंड का आदमी क्यों है फिर प्लेन से? हाँ, ये मानसिक रूप से है, इसके दिमाग में है, दिमागी है सर ये। हाँ जी, मगर आप आशीष डबराल जैसे लोगों से जब आप मिलते हो तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं। हाँ जी, जैसे उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली कि जो भी हमारे साथी लोग हैं, जो पहाड़ के लोग जो शहरों में हैं, अगर वो 30,000 रुपये कमा रहा है, हाँ जी, तो 5,000 का सब्जी खरीद रहा है, हाँ जी, 5,000 का राशन खरीद रहा है, हाँ जी, 5,000 बच्चों के एजुकेशन में दे रहा है, और एजुकेशन भी वैसे नहीं मिल पा रही है। हाँ जी, बच्चों को जैसे जो सोच रहा है, जो सोच रहा है बेचारा। हाँ जी, और फिर उसने 100 गज का 200 गज का एक प्लॉट ले लिया। हाँ जी, फिर उसे किस्ते भी जानी है। हाँ जी, फिर वो भी चला जा रहा है, तो बच क्या रहा है? बच कुछ नहीं। फिर मानसिक तनाव, टेंशन, बीमारियाँ। तो अगर मैं यहीं, जैसे आशीष भाई ने यहीं पे सब उगा दिया, तो सब्जी फ्री, उनकी गाय है 17 गाय रखी हुई है, दूध फ्री, नौनी भी खाते हो, है ना, मट्ठा भी निकलता है, है ना। तो बेसिकली भूल गए कि घी और नौनी को बनाने के बाद घी बनता है, घी के नीचे बनता है मयड़ू, जो खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है ना। तो वो बहुत से लोग, उन्हें तो आंखों से भी नहीं देखा होगा शायद, मयड़ू किसी ने सुना भी नहीं होगा, सुना भी नहीं, हम लोग उन्हें खा रखा है। तो मतलब ये जो प्रतिस्पर्धा है सर, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, हम कहाँ पहुँच जाते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, उसके बाद फिर हम वापस नहीं आ पाते। इतना बड़ा चौक बॉम्बे में या दिल्ली में या देहरादून में किसी के पास है तो बहुत अमीर आदमी समझता है अपने आप को, मगर वो पाने के लिए वो बहुत स्ट्रगल करता है। बॉम्बे में अगर मैं एक 2 BHK फ्लैट लेता हूँ, तो वो 2 BHK फ्लैट जो है वो लगभग 3 से 4 करोड़ का होगा, एक अच्छी जगह पे, बैंड्रा जैसी जगह पे, पर वहाँ दीवारें दीवारें होंगी सर, सीमेंट ही सीमेंट होगा, हम नेचर का कुछ नहीं है ये, तो आप एक्वायर ही नहीं कर सकते सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी हमें मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। और मैं किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ उत्तराखंड आके, ना मेरी गवर्नमेंट पे, ना मेरे लोगों पे, ये मेरे लिए अच्छा है। मैं आराम से सिनेमा कह सकता हूँ, एक से एक फिल्म बना सकता हूँ, आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, आप कुछ भी पैदा कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो लोग हैं उनको, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हैं, जैसे आशीष जी ने यहाँ पे वो बच्चों को रोबोटिक्स सिखाते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि हम जहाँ अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ रोबोटिक्स भी सिखा रहा होगा। आशीष भाई ने जो नासा के साइंटिस्ट हैं उनसे कोलैबोरेशन किया और वो बच्चों को कभी कभी पढ़ाते हैं, कितनी बड़ी बात है सर ये। दिल्ली के कौन से स्कूल के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो इसी गाँव में वो सब कुछ कर रहे हैं और ये बहुत कमाल की चीज़ है। तो यहाँ के जो युवा हैं वो पलायन ज़्यादा करते हैं, उनके जो सोच है वो पलायन वाली है जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये ही कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे पास जो आगे हम जिसको ढूंढ रहे हैं उसको ढूंढें, कोई उसमें बुराई नहीं है, पलायन नहीं कहता मैं इसे, मगर जो आपके पास है उसको भी संभालना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें अपने गांव जाना चाहिए, जैसे मेरे गांव में जाता हूँ, मैं यहाँ था तो मेरे गांव भी गया, तो वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मेरे दादाजी ने, मेरे गांव में घर है मेरा जिसमें 28 कमरे हैं, तो अगर मैं नहीं जाऊँगा तो उसे कौन संभालेगा? हाँ जी, और मतलब वहाँ जाके आपको फील होता है कि यार मतलब है कुछ आपके पास। हाँ जी, है ना। तो मुझे लगता है कि हमें और बहुत सारे विकल्प हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, बजाय फेसबुक में घुसने के, बजाय व्हाट्सएप पे घुसने के, आपके पास पूरी दुनिया यहाँ पे है, आप फार्मिंग को लेके आज बहुत इनोवेशन कर सकते हैं। अगर पंजाब के लोग यहाँ आ जाए तो बदल दें चीज़ें,
बहुत मेहनत कश लोग होते हैं, एक क्रांति हो जाएगी है ना। तो अपने खेतों में जाओ, जो गांव में रहता है और जो महिलाएं हैं उन्हें कहो कि जी यहाँ पे हल्दी बो दो या कुछ भी बो दो और मैं आपको उस पैसे दूंगा, वो करेंगे आपके लिए, हल लगा दो और बहुत कुछ हो सकता है सर। सारी ज़मीनें ऐसी पड़ी हुई हैं, सारी बंजर पड़ी हुई। मैं भी इधर एक जगह है चक्रखाल, खाली चक्रखाल इधर लहसुन से आगे मैं वहाँ गया, वहाँ हमने बहुत मैंने ब्यूटीफुल जगह देखी, इतना अच्छे अच्छे खेत देखे। तो मैंने कहा मैं खरीदना चाहता हूँ, तो बोला हम तो दिल्ली विल्ली से फ़ोन आया कि बोला हम नहीं बेचना चाहते। तो मैंने कहा तो हल लगाओ इस पर, दिल्ली में क्या कर रहे हो, तो थोड़ा हमें बदलने की जरूरत है। और युवा कुछ भी कर सकता है सर अगर वो चाहे तो, चाहे तो मुझे से लगता है जब छोटा कारोबार करे मगर उसे मालिक खुद बनना चाहिए बजाय कहीं और परेशान होने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य समय दिया और मैं आपके समुजल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।